हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे इस चैनल पे आपको देश दुनिया स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट सबकी खबरें मिलेगी। अगर आप चाहते हैं अप टू डेट रहना तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको नीचे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे जरूर प्रेस करें। जब भी कोई नई मूवी रिलीज होने वाली रहती है तो उसकी प्रोडक्शन कंपनी और साथ में पीआर कंपनी जो उसके प्रमोशन को देखती है, वो कई तरह के ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जिससे मूवी को हर स्टेज में प्रमोट किया जाए। अभी हाल फिलहाल में दो मूवी रिलीज होने वाली है, एक है लाल सिंह चड्ढा और दूसरी है रक्षाबंधन। ये दोनों मूवी के भी पीआर जो डिपार्टमेंट है वो अपने काम को बखूबी कर रहे हैं, इसके लिए चाहे उन्हें अफवाह ही फैलाना क्यों ना पड़ रहा हो। फिलहाल लाल सिंह चड्ढा मूवी की जो पीआर कंपनी है उन्होंने एक अफवाह फैलाना स्टार्ट कर दिया है कि लाल सिंह चड्ढा मूवी को थिएटर में 50% एडवांस बुकिंग मिल गया है। कई सारे लोग ट्विटर पर ये ट्वीट कर रहे हैं कि 80% तक एडवांस बुकिंग लाल सिंह चड्ढा को मिल गया है। आज से कुछ साल पहले अगर इस तरह की अफवाह फैलाते तो हो सकता है लोगों को विश्वास भी हो जाता कि हाँ भाई इतना ज्यादा एडवांस बुकिंग हो गया होगा मूवी का। लेकिन आज के डेट में लगभग बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, मूवी का टिकट भी ऑनलाइन बुक होता है। तो अगर आप बुक माई शो पे ऑनलाइन इस समय चेक करेंगे कि लाल सिंह चड्ढा का एडवांस बुकिंग कितना हुआ है तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ साफ नजर आ जाएगा। अभी करंट आपको मैं दिखाता हूं कि इस समय लाल सिंह चड्ढा का क्या स्टेटस है, एडवांस बुकिंग हुआ है तो कितना हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि 50% एडवांस बुकिंग भी नहीं हुआ है। 50 तो बहुत दूर की बात, 30 या 20% भी एडवांस बुकिंग नहीं हुआ है अभी के डेट तक। लेकिन पीआर कंपनी वो अपना काम स्टार्ट कर चुकी है, वो लोगों के बीच में एक भ्रम फैलाना चाहती है कि उसके एडवांस बुकिंग बहुत तेजी से हो रहा है। तो अगर आपने बुक नहीं किया तो हो सकता है आपको टिकट नहीं मिलेगा। फिलहाल इस तरह का एडवांस क्रेज KGF 2 मूवी जब आया था तो एडवांस बुकिंग में देखने को मिला था। इससे पहले स्पाइडरमैन जब मूवी रिलीज हुआ था तो एडवांस बुकिंग का क्रेज देखने को मिला था। इससे पहले एवेंजर एंडगेम जब मूवी आया था तो भी एडवांस बुकिंग का क्रेज लोगों में देखने को मिल रहा था। लेकिन फिलहाल 2 साल से बॉलीवुड का समय बहुत खराब चल रहा है। बॉलीवुड की कोई मूवी रिलीज होने के बाद भी लोग थिएटर में जाकर नहीं देखना चाहते हैं, ऐसे में एडवांस बुकिंग वो भी 80%, ये तो बहुत दूर की कड़ी नजर आती है।